भारत आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज के दिन हमारे भारतीय सैनिकों ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। दोनों देशों के बीच हुए इस युद्ध में जीत भारत की हुई थी। शौर्य और वीरता की इस कहानी के लिए कारगिल में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने देश को संबोधित किया। कारगिल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दृश्य काफी चौंकाने वाला था, जिसने पूरे भारत देश का दिल जीत लिया। वीडियो में आप शुरुआत में देख सकते हैं कि पीएम मोदी जब कारगिल पहुंचे तो उन्होंने अपने सिर पे कैप लगाई हुई थी। इसके बाद जब वो कारगिल के मेमोरियल पहुंचे तो शहीद हुए सेना के जवानों के आदर में उन्होंने अपने सर से कैप हटा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृश्य को देखकर हर कोई उनके व्यवहार का कायल हो गया। वहां मौजूद सभी सेना के जवान अचंभे में पड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृश्य से मोदी का सेना और सेना के जवानों के प्रति उनके भाव को, उनके आदर और सम्मान को दर्शाता है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जब देश का प्रधानमंत्री मजबूती से सेना के जवानों के साथ खड़ा हो तो सेना बड़े से बड़ा कोई भी युद्ध जीत सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कारगिल वॉक मेमोरियल जाकर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सेना के साथ सलामी भी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। संबोधन में पाकिस्तान से लेकर 370 तक का विरोध करने वाले सभी को अपने आड़े हाथ लिया। इसके साथ सेना के जवानों की वीरता की उन्होंने जमकर तारीफ की। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ TNN वर्ल्ड पर।